आजाद होने के बाद कई बार शिक्षा नीतियां बनी है। 1984 या 86 के समय शिक्षा नीति बनी थी, उसके बाद आज 2020 में शिक्षा नीति बन रही है। लेकिन इसमें विचारों के परिवर्तन करने वाले ऐसे श्रेष्ठ पुरुष सामने आए हैं जिन्होंने एक दिशा देकर के हमारी शिक्षा कैसी हो इसकी ओर आगे बढ़ाया है। केवल साक्षरता ही नहीं तो इस शिक्षा के साथ राष्ट्रीयता है, नैतिकता है, ठीक है, संस्कार भी है, रोजगार भी चाहिए। आखिर शिक्षा का हेतु रोजगार भी है, उसके लिए टेक्नोलॉजी भी चाहिए, ये सब चीजें चाहिए। इन सब की दिशा देने के लिए जो नई ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई है, इसके लिए मैं जिन्होंने भी इसमें योगदान किया, क्योंकि बहुत बड़ी संस्थाओं को इसमें एक प्रकार से परामर्श लिया गया, आम जनता से भी परामर्श लिया गया, शिक्षाविदों ने तो यानी परामर्श दिया ही दिया, और लगातार कई वर्षों के इस अभ्यास के बाद ये जो हमारी शिक्षा नीति बनी है 2 लाख लोगों से भी इसका एक प्रकार से परामर्श लेने के बाद इस शिक्षा नीति को आगे बढ़ाया गया। हमको अपनी शिक्षा नीति में सभी लोगों को मिलकर, चाहे वो शिक्षा शास्त्री हैं, अध्यापक हैं, बुद्धिजीवी हैं, गणमान्य व्यक्ति हैं और आम जनता है, इन सबको मिल करके एक विचार मंथन करके जो ये नीति बनाई गई है इसका पालन करना चाहिए, इसको आगे बढ़ाना चाहिए। शिक्षा नीति बन गई है, अब हम प्रदेश सरकार के नाते, यह हमारी इतनी बड़ी जो फौज है, जो शिक्षाविद है, जिन लोगों को शिक्षा को आगे लेकर चलना है, बढ़ना है, इनको अपने लेवल पर सबको उसको कैसे लागू करना है इसके लिए प्रयत्न करने चाहिए। लागू करने के लिए कई बैठकें हो चुकी हैं विभाग की ओर से, आप सब लोगों से मिलकर के, और जो उसमें से एक विषय निकल करके आया हरियाणा के अंदर, मैं आप सबको बधाई देता हूं कि बड़ा उत्साह है कि हम इसको कैसे लागू करें। उसी में से एक निर्णय लिया है कि हम अपनी इस शिक्षा नीति को, जो देश भर के अंदर तो लक्ष्य रखा गया है कि 2030 तक लागू करेंगे, हरियाणा के लोगों ने सबने मिलकर तय किया कि हम इसको 2025 तक लागू करेंगे।